May I come in, sir? Ay, ay, ay. प्रणाम सर, प्रणाम सर। आइए, बैठिए ब्रजमोहन। थैंक यू सर। कंफर्टेबल हो जाइए। यस सर। कल आपने अपनी डायरी में क्या लिखा? मैंने देखा आपकी हॉबी डायरी रीडिंग। कल या परसों लेटेस्ट क्या लिखा है आपने? सर अभी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसी के दौरान अपने टारगेट को सेट करके लिखता हूँ सर, कि दिन भर में मैंने मुझे क्या क्या करना है और मैंने क्या क्या पाया सर रात में, ये लिखता हूँ सर। आपने अपना क्या टारगेट, क्या आपने सोचा, क्या क्या करना है आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आपको? सर अभी बहुत सारा सिलेबस को तैयार कर रहा हूँ सर, और भी जो भी इंटरव्यू के दौरान जो भी ज़रूरत होता है वो सब पे काम कर रहा हूँ, तो वही सब लिख रहा हूँ सर। कोई फ़ायदा इससे आपको महसूस होता है? यस सर, इससे मुझे फ़ायदा ये होता है सर कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा सर महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर बदलाव आ रहा है, और सर मैं अपने लक्ष्य के प्रति सर तेजी से जा पाता हूँ इससे। अच्छा, थोड़ी सी मैं अब अलग ले जाता हूँ, बहुत हुआ। भारत में बहुत सारे इधर हाल में पिछले 4 साल में राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुछ मर्ज किया गया, कुछ बैंक को किसी के साथ मर्ज किया गया। एक दो उसमें उदाहरण बताइए और क्यों किया गया? बैंकों को मर्ज करने का सर सरकार का उद्देश्य ये है कि सरकार चाहती है कि मेरे पास कुछ ऐसे बैंक हों जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर प्रतियोगिता कर पाए, और दूसरा कि बहुत सारे कमज़ोर बैंक ऐसे हैं जिसके कारण से हमारा NPA बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पर भी सर हम कंट्रोल कर पाएँ। इसके तहत सर यूनियन बैंक के तहत बहुत सारे बैंकों को मर्ज किया गया है, और केनरा बैंक के तहत भी बहुत सारा किया गया है, नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ सर। और अभी सर हाल फिलहाल में एक निजी बैंक HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का भी विलय किया गया सर। आपने एक शब्द किया प्रयोग किया NPA। यस सर। ये क्या है NPA? ये होता है सर कि अगर कोई बैंक किसी को लोन देती है और वो 90 दिनों तक उसके तहत कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, उसे कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक उसे NPA घोषित करती है सर, गैर निष्पादित संपत्ति। NPA घोषित करने से बैंक पर क्या असर पड़ता है? बैंक पे NPA घोषित करने से सर बैंक उसके प्रति सर जो लोन उन्होंने दिया है उसके प्रति जागरूक हो जाती है और उसे वसूल करने का प्रयास करती है। बैंक के बैलेंस शीट पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कोई आइडिया? आप ऑडिट में जाएंगे तो इसलिए मैं बैलेंस शीट पर आ रहा हूँ। यस सर। बैलेंस शीट आप समझ नहीं, वो तो आप नहीं बता सके, बैलेंस शीट समझते हैं क्या होता है? नहीं। अच्छा ठीक है, पंचायत के तो आप काम को पंचायत में ऑडिट करने हैं, पंचायत का ऑडिट जो पंचायती है, पंचायत किस कानून के अंतर्गत काम करते हैं ये बताइए, कैसे पंचायत की स्थापना भारत में हुई? पंचायत की स्थापना सर 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है सर। इसके तहत सर स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन को लागू करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को सर संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और इसके तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था किया गया है सर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद का सर। बिहार में पंचायती राज को रेगुलेट करने, उनका कार्य करने के लिए भी एक अधिनियम का गठन हुआ, कुछ अधिनियम की जानकारी है? कौन सी अधिनियम? सर पंचायती राज अधिनियम 2006 सर। कुछ उसकी मुख्य बातें? उसकी मुख्य बातें सर कुछ मुझे याद है, जैसे उसमें कहा गया कि महिलाओं को 50% तक आरक्षण देना है, और दूसरा अगर कहीं 20 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहाँ त्रिस्तरीय होना है वहाँ पे पंचायत का गठन। और आपने महिलाओं के 50% आरक्षण की बात कही। यस सर। क्या फील्ड में इसकी कुछ है कि वास्तव ये तो मुखिया पति जो बन रहे, महिलाओं के पति ही, महिला इलेक्ट होती है मुखिया, वही इनके पति काम करते हैं, तो क्या ये वास्तव में किसी फायदे का है या प्रावधान, या केवल एक राजनीतिक सगुफा है? नहीं, इससे ज़मीनी स्तर पे फ़ायदा हुआ है सर, और हमारी महिलाएं इसे सशक्त भी हो रही सर। अभी हम अगर देखते हैं सर तो बहुत सारी महिलाएं सर इसमें पंचायत समिति में सेलेक्ट होकर के आ रही है। बिहार का एक सर पंचायत है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ नाम, वहाँ से सर सारी महिलाएं ही सारा पंचायत में सेलेक्ट होकर के आई है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ब्रजमोहन नाम है ना आपका? यस सर। कब किया ग्रेजुएशन? 2012 में सर। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? उसके बाद से सर तैयारी कर रहा हूँ सर। 11 साल हो गया ना? यस सर। क्या क्या किया तैयारी में? सर इसके लिए मुझे खेद है सर, मैंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसका मुझे नुकसान हुआ सर। प्रारंभ में सर मुझे लगा कि आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो मैं रेलवे की तैयारी करने लगा, और सर 2017 में सर मैं मेडिकल में छट गया था,
जिसके बाद मुझे कोई विकल्प नहीं दिखा तो सर मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ सर। और 2017 के बाद सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने 66वीं बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है सर। क्या हुआ उसमें? जी एस मेंस में सर कम मार्क्स रह गए थे सर मुझे। मेंस में कम मार्क्स? जी एस पेपर टू में कम मार्क्स आए थे सर। सब्जेक्ट क्या था आपका? इकोनॉमिक्स सर। इकोनॉमिक्स? यस सर। ये मार्क्स आपने यहाँ पर लिखा है 41 टेंथ क्लास में है ना? यस सर। बहुत कम मार्क्स है। उसमें सर पढ़ाई के प्रति उतनी ज्यादा रुचि नहीं थी सर। ट्वेल्थ में आपका 63% है। यस सर। सीबीएसई बोर्ड है बिहार? बिहार स्टेट बोर्ड सर। बिहार बोर्ड सर। और फिर ग्रेजुएशन में आप आए है ना? यस सर। मुझे ये बताइए कि इस चीज को जो 41% आपने लिखा है ये तो उसका कोई रेलिवेंस है भी नहीं? नहीं सर। हाँ? नहीं सर। तो इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी? नहीं सर। फिर भी आपने लिखा? सर मुझे लगा कि बहुत जगह कोचिंग में लिख रहा था सर तो वो लिखा गया सर। यानी आपको रेलिवेंस किसी चीज के रेलिवेंस के बारे में नहीं पता होता है कि हमको कौन सा इन्फॉर्मेशन देना है कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है या कब देना है? ये परेशानी है आपके साथ? नहीं सर। नहीं मुझे लगता है कि नहीं है सर। मुझे ये मैंने बाद में मैम से पूछा कि इसमें क्या क्या भरना है तो बोले कि अपने सारे डिटेल को भर दो तो इसलिए मैंने भर दिया सर। डिटेल में ईयर भी आता ना तो ईयर तो आपने लिखा ही नहीं कहीं। सॉरी सर। आप सीधे जो है अपना मार्क्स लिख दिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड से तात्पर्य यह होता है कि एक अर्थव्यवस्था में जितना भी वस्तु और सेवा का सर मांग होता है उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं सर। इसमें सर उपभोक्ता की मांग हो सकती है सर शामिल, उसके बाद सर गवर्नमेंट की मांग शामिल हो सकती है, उसके बाद कुछ निवेश मांग शामिल होता है और उसके बाद सर विदेशों से आयात। ये किन्स का क्या था ये एग्रीगेट डिमांड? किन्स महोदय के अनुसार सर एक अर्थव्यवस्था में जितना भी सर संतुलन कीमत पे जितना भी सर डिमांड होता है वस्तु और सेवाओं का उनके कुल योग को सर एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा सर कि अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अगर बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में होगा और उस समय रोजगार सर सभी लोगों को प्राप्त होगा। ये अर्थव्यवस्था के संतुलन की स्थिति को सर इंडिकेट करता है। बिहार के लिए आपको क्या आप सजेस्ट करेंगे जहाँ बेरोजगारी जो है वो काफी है उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिहार के लिए सर सबसे पहले यहाँ पे सर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए सर सरकारी प्रयास को सर यहाँ पे करना होगा सर। इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सर सरकारी खर्च को बढ़ा करके लोगों को रोजगार देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर हमारे पास सर कुशल श्रमिकों का अभाव है तो लोगों को शिक्षा में भी सर गुणवत्ता सुधार करके सर मानव श्रमिक पे सर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है सर। कोई योजना है सरकार की ऐसी? यस सर। कौन कौन सी योजना? कौशल विकास योजना सरकार लाई है इसके लिए युवाओं को सर शिक्षा के तहत जो भी कुशलता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा सर लोगों को सर उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए उद्यमी योजना भी लाई है और बेसिकली सर सात निश्चय के तहत एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए भी बिहार सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है सर। थैंक यू सर। राजमोहन क्रांति। यस सर। क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति सर जाति सूचक शब्द है सर। ओके वही है सर। ठीक है। आपका सब्जेक्ट इकोनॉमी है? यस सर। ठीक है। कोई दो अर्थशास्त्र का नाम बताएंगे, अर्थशास्त्री का नाम बताएंगे? सर एक अर्थशास्त्री सर मैं भारत में सर चाणक्य को लेना चाहूंगा सर और दूसरा अर्थशास्त्री सर एडम स्मिथ को लेना चाहूंगा सर जिन्होंने अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते। ऐसे कोई अर्थशास्त्री जिनके बारे में जिनके कंसेप्ट को आप सब्जेक्ट में पढ़ते हो? यस सर। कौन कौन से हैं? एज ए सब्जेक्ट के रूप में सर हम लोग को जेम किन्स महोदय को भी पढ़ना पड़ता है सर। okay. और उनके बाद सर
माल्थस के बारे में पढ़ना पड़ता है, अमर्त्य सेन साहब के बारे में भी पढ़ना पड़ता है सर, ये सब है सर। अमर्त्य सेन के बारे में बताएंगे कुछ स्पेशल स्टेटमेंट जो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ बोला? यस सर, अमर्त्य सेन साहब को सर सोशल चॉइस थ्योरी के संबंध में उन्होंने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उनके कार्यों को देखते हुए नोबेल प्राइज भी दिया गया उनको। उनका कहना है कि अगर कोई विकासशील देश है जहाँ पे विकास की ज़रूरत है तो उन वैसे देशों को सर सरकार को सोशल पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि आर्थिक समृद्धि पे। शिक्षा पे काम करना होगा, हेल्थ सेक्टर पे काम करना होगा, वो सारे काम करने होंगे जिससे लोगों की कार्यकुशलता बढ़ जाए और वो सक्षम हो जाए। ठीक है सर, अब ये ज़रा बताएंगे टर्शियरी सेक्टर कोई एग्जांपल है? यस सर, टर्शियरी सेक्टर को सर सेवा क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अब वो सारे सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सर उनके उपयोगिता को बढ़ाता है और उनको सर टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। इसका मूल उद्देश्य होता है ये दोनों सेक्टर जो हमारे उनको सेवा प्रदान करना, जैसे बैंकिंग सेक्टर, परिवहन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ये सारे सेक्टर सर। ऑडिटर के लिए जिसके लिए आप चाहते हैं चयनित हो जाना, ये किस लेवल का जॉब है? ये सर पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत लेवल 5 का जॉब है सर। लेवल 5 का जॉब है, ठीक है। तो किस टाइप का जॉब ज़्यादा अच्छा होगा, लेवल 5 का होगा, 3 का होगा या 4 का होगा? सर 6 का होगा। तो मेरे लिए तो सर लेवल 6 का ही ज़्यादा अच्छा होगा सर। लेवल 6 में कौन कौन से अधिकारी बनते हैं? लेवल 6 में सर नॉन ग्रेजुएटेड स्टाफ को लिया जाता है सर, उसका सिलेक्शन सर बिहार स्टाफ सिलेक्शन करती है बिहार में, और सेंट्रल गवर्नमेंट में सर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करते हैं। एसडीएम और डीएसपी किस लेवल में आते हैं? एसडीएम और डीएसपी दोनों ही सर लेवल 9 में बिहार में आता है सर। लेवल 9 में आते हैं। यस सर, ठीक है। आपका हॉबी डायरी है ना? यस सर। ठीक है, तो डायरी में कैसे अपने बारे में लिखते हैं या फिर कुछ और भी लिखते हैं? नहीं सर, जो भी चीज़ें मुझे प्रभावित करती है वो मैं सब चीज़ों को लिखता हूँ सर, जो मुझे लगता है कि इसको लिखना चाहिए, इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, भविष्य में मुझे कुछ फायदा हो। टाइम पास हो गया उस डायरी को, फिर क्या आप दोबारा पढ़ते हैं? यस सर। आपको क्या इतना वक्त मिलता है? यस सर, मुझे ये लिखने से मुझे अच्छा लगता है सर, मैं इसके लिए समय निकाल लेता हूँ सर। ठीक है सर, ऐसा नहीं लगता कि आप 2011 से अब कब किए थे ग्रेजुएशन? 2012 में सर। 12 में, 23 साल हो गए है ना? Yes, 12 साल हो गए। ठीक है, तो नहीं लगता है कि आप एक फेल्योर स्टूडेंट में से एक हैं? सर ये कह सकते हैं सर, क्योंकि जो सफलता मैं चाह रहा था वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया, लेकिन सर मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ और बाकी का जीवन सर बहुत अच्छे से गुजारने के लिए सर मेहनत कर रहा हूँ तेजी से सर। इस बार कितनी उम्मीद है आपको अपने आप पे? सर जहाँ तक मैंने मेहनत की है मुझे लगता है कि हो जाएगा सर। इस बार डायरी में कुछ लिखे हो अपने बारे में, सिलेक्शन और रिजेक्शन के बारे में? अभी तो नहीं लिखा हूँ सर। क्या लिखोगे? सर लिखूंगा इंटरव्यू के दिन अगर मेरा अच्छा जाता है तो मैं अपने अनुभवों को लिखूंगा सर, जैसे मेरा 66वीं में नहीं हुआ था तो मेरे क्या क्या कमियां रह गई थी, वो सारे को मैंने नोटिस किया था और उस पर सर मैं बहुत अच्छे से काम किया हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि शायद मेरा हो सकता है सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ब्रजमोहन आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।